पोषाहार वितरण भंडारण में अनियमितताओं की शिकायत के बाद सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास एसडीएम जोगेंद्र सिंह गुजर एक्शन मोड में नजर आए। एसडीएम जोगेंद्र सिंह ने उप जिला कलेक्टर कार्यालय के समीप महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र पर किए जा रहे पोषाहार वितरण के भंडार का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें भारी अनियमितताएं मिली। एसडीएम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पोषाहार गोदाम की 5 दुकानों को सीज कर दिया। एसडीएम के मुताबिक अधिकतर पोषाहार के पैकेट अवधि समाप्त हुए मिले, जिनमें बदबूदार व फफूंद आ रही थी। कुछ कट्टे कीचड़ व पानी में भीगे हुए थे। एक्सपायरी डेट का माल गोदाम में देखकर एसडीएम जोगिंदर सिंह ने भंडारण गोदाम में कार्यरत श्रमिकों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही संबंधित संवेदक को मामले की जानकारी दी। हालांकि इससे पूर्व औपचारिक कार्यवाही के तहत पोषाहार के सैंपल संकलित कर उन्हें जांच हेतु लैबोरेटरी में भेजा गया, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं मौके पर प्रथम दृष्टया पोषाहार में मानकों के विपरीत क्वालिटी पाए जाने पर 5 दुकानों को सीज कर दिया गया।